तो कैसे हो दोस्तों, एक और नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। और ये वीडियो के अंदर हम लोग ने एक और पॉइंट टेबल बनाया। एंड हाँ, ये पॉइंट टेबल बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने अपलोड किया। मैंने काफ़ी ट्राई किया कि कुछ नया करूँ, बट कुछ भी नहीं सोच में आया। बट बाद में जब मैं बनाते गया तो ये एक अच्छा सा पॉइंट टेबल बन गया, जिसमें आप लोग अपना डिस्कॉर्ड की आईडी, फिर अपना इंस्टाग्राम की आईडी, यूट्यूब की आईडी भी डाल सकते हो। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है 20 लोगों के लिए, मतलब आपकी 20 टीम होगी। एंड उसका अगर आपको पॉइंट टेबल चाहिए तो ये पॉइंट टेबल आप लोग यूज़ कर सकते हो। हाँ, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये पॉइंट टेबल आप लोग फोटोशॉप में एडिट कर पाओगे, मोबाइल में नहीं एडिट कर पाओगे। अगर आप लोग को मोबाइल में एडिट करना है तो मैं ये वाला जो टेम्पलेट है, ये जो टेम्पलेट होगा जिसमें कुछ भी लिखा नहीं है, वो अपलोड कर दूंगा। वो इसी जिप फाइल के साथ अवेलेबल होगा, आप लोग उसको ले सकते हो। एंड हाँ, अगर आप लोग को इसके जो फॉन्ट्स है वो नहीं मिल पाते, ये जो मैंने फॉन्ट्स यूज़ किए, तो आप लोग यहाँ से सिंपल इसका नाम कॉपी करो एंड गूगल पर टाइप करके फॉन्ट डाउनलोड लिख दोगे। सिर्फ इसके बाद में सिर्फ इतना लिख दोगे, फॉन्ट डाउनलोड, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी ये जो नाम के फॉन्ट होगा वो आ जाएगा। उसको डाउनलोड करके आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ओके। एंड ये पूरा एडिटेबल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि आप लोग एडिट नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड भी चेंज करना है तो भी आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया है मैंने, यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं जो भी बैकग्राउंड एडिट करना है। अगर आप लोग को टेक्स्ट में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है तो आप लोग टेक्स्ट में यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो, सिंपली एक क्लिक है, उसके बाद आप लोग उसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, एंड उसके बाद जैसे नंबर के वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से सिंपल एक क्लिक और एडिट, एक क्लिक एडिट, एक क्लिक एडिट, ऐसे ही सब लोग को मैंने रखा है। और आप लोग सिंपल इसको एडिट कर सकते हो। एंड पूरा आपका पूरा एडिटेबल है। एंड दोस्तों, अगर आप लोग को ये पॉइंट टेबल चाहिए तो आप लोग को नीचे ये लिंक के ऊपर क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड वहाँ से आप लोग सिंपली आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो इस पॉइंट टेबल को। दोस्तों, सिंपल सा डाउनलोडिंग लिंक है, आप लोग जाके एक बार डाउनलोड कर लीजिए। एंड अगर आप लोग जैसे एडिट हो जाए और आपका कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, पहले स्टार्टिंग में कुछ ऐसा डल सा दिखेगा, डल सा, तो आप लोग को सिंपली क्या करना है कि एक यहाँ पे जिसके आपका टॉप लेयर पे, आप यहाँ पे हेडिंग के ऊपर चले गए और यहाँ पे आप लोग प्लस का आइकॉन पे क्लिक करोगे, ओके। यहाँ पे आप लोग एक नई लेयर बन जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे नई लेयर बना चुका हूँ। उसके बाद आप लोग को इमेज में जाना है, इमेज में जाने के बाद अप्लाई इमेज के ऊपर जाना है। एंड यहाँ से आप लोग को देख सकते, ये सेटिंग आप लोग कॉपी कर लेना, ये सेटिंग यहाँ पे होनी ज़रूरी है, नहीं तो ऐसी चीज़ नहीं बनेगी जैसे यहाँ पे बन रहा हो। यहाँ पे एक नई सी लेयर बन गई है जिसमें एक इमेज बन गई, ओके। एंड अभी यहाँ पे क्या करेंगे, आपको फिल्टर में जाना है, कैमरा रो फिल्टर के अंदर जाना है। कैमरा रो फिल्टर के अंदर जाने के बाद आप लोग बेसिक्स के अंदर जाना है। अगर आप लोग का अपडेट है तो आप लोग को कुछ इस तरह से कैमरा रो फिल्टर दिखेगा, नहीं तो आप लोग को ऐसा चीज़ नहीं दिखती है, सिर्फ सब सिंपली सब लोग आजू बाजू में दे देते हैं, ओके। तो यहाँ पे बेसिक्स वाले में जाके आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा इसको यहाँ से बढ़ाओगे, ओके, मतलब जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देना, एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देना जिसके वजह से थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। उसके बाद क्लियरिटी थोड़ी सी बढ़ा देना, वाइब्रेंस थोड़ा सा बढ़ा देना, एंड अगर आप लोग को चाहिए तो थोड़ा सा वाइट भी बढ़ा सकते हो, तो थोड़ा सा वाइट कलर भी हो जाएगा। एंड शैडोज का आप लोग बढ़ाना मत, क्योंकि बहुत अजीब दिखने लग जाता है, ओके। एंड हाइलाइट्स अगर आप लोग को चाहिए थोड़ी सी और बढ़ानी तो बढ़ा सकते हैं, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कुछ मत करो। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको जो जो अगर आप लोग को और भी सेटिंग्स यहाँ पर करनी है तो कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप लोग को जाना है काउस के अंदर, नहीं कुछ नहीं, डिटेल के अंदर आप लोग जाके शार्पनिंग थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। एंड मिक्स कलर के अंदर भी जाके आप लोग अपने लिए के कलर के साथ खेल सकते हैं। और यहाँ से वेजेस को आप लोग यहाँ पे जो थोड़े से ब्लैक्स होता है उसको आप लोग को करना है तो कर सकते हो, बट मैं तो बोलता हूँ कि उसको भी मत करो, सिर्फ इतना से ही करो। उसके बाद आप लोग को यहाँ से सिंपली ओके कर दो तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा लाइट अप हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा डल सा दिख रहा था, तो ये लाइट अप हो चुका है। इसी तरह से आप लोग इसको लाइट अप कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे किए हुए, ये देख सकते हैं ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको बंद चालू कर, तो देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं अपना वाला ऑन कर रहा हूँ, ये अभी जो किया वो दोनों सेम ही है दोस्तों। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग उनको ज़्यादा क्या बोलते हैं, इसमें सिर्फ इतना ही करो और लाइट अप कर दो और अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे आप लोग इसको डाउनलोड करने के लिए नीचे गए लिंक के ऊपर क्लिक करो, आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक कर देना, पसंद आया वीडियो तो कमेंट कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। एंड जो जो पबजी के टूर्नामेंट्स खेलते हैं उनके साथ शेयर करो, तो वो लोग को भी अच्छा लगेगा दोस्तों, उन लोग को भी एक हेल्प हो जाएगी। एंड सिंपल सा एडिटिंग है, आप लोग को कुछ पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिंपल इसको एडिट कर सकते हो, कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं है, कहाँ कुछ भी आप लोग को जो भी लिखना है लिख सकते हो। और मुझे टैग करो, मुझे टैग कर देना, बस इतना है यार, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी तो थोड़ा सा टैग कर देना। सो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट करना मत भूलो। नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।